दोस्तों अगर आपको माइनक्राफ्ट गेम प्ले करने के टाइम पे विलेज को ढूंढना काफी मुश्किल हो जा रहा है, आपको विलेज आपको आसानी से नहीं मिल रहा है, तो गाइस ऐसे में दोस्तों आप सिंपली इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया हूँ कैसे आपको माइनक्राफ्ट गेम पे विलेज कैसे आपको ढूंढना है और काफी ईजी तरीके से अपने विलेज को ढूंढ सकते हो। और विलेज को ढूंढने के बाद काफी आसानी से आपको विलेज के अंदर आपको जानते हो कि विलेज में आपको बहुत सारा चीज जो कि ऐसे ही आपको मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते देखते अपने माइनक्राफ्ट गेम पे विलेज कैसे ढूंढा जाता है। और गाइस आज मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर ही माइनक्राफ्ट गेम प्ले करने वाला हो और अपने पीसी से ही माइनक्राफ्ट गेम प्ले करके विलेज को ढूंढूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट गेम पे, यहाँ पर हम लोग प्ले में क्लिक कर दूंगा। इसके साथ हम लोग क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे हम लोग क्लिक करूंगा। क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्वाइवल मोड पे रखूंगा। इसके बाद क्रिएटिव में क्लिक करते ही अपना जो वर्ल्ड है यहाँ पर बन जाता है। कोई भी जो फेक वीडियो यहाँ पर नहीं हो रहा है, इजी तरीके से आपको मिल ही जाएगा। तो गाइस हम लोग आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट गेम पे। अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो वर्ल्ड कुछ इस टाइप का है। वो माय गॉड कुछ नहीं है गाइस। अगर ऐसा जगह पे आपने आ जाते हो वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद, तो गाइस आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पर गांव है कहाँ पर क्या है। तो गाइस देखो गाइस मेरे को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी कीबोर्ड का मैंने W को प्रेस किया और गाइस यहाँ पर देखो पहाड़ ये पहाड़ है। तो उतना ऊपर में उठेंगे तो भाई काफी वक्त लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपने ऐसे नॉर्मली सिंपल तरीके से W प्रेस करने के बाद या तो कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो और भी थोड़े स्पीड में उठ सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको सीधा जाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आप जहां पर जा रहे हो आपको सीधा जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों और एक बात है, ऐसा करके अगर अपने गांव ढूंढने गए तो गाइस आपको काफी वक्त लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा। बहुत ही शॉर्टकट जो तरीका ये है कि आप सिंपली अपने कीबोर्ड का ESC को प्रेस कीजिए। इसके बाद आपको सेटिंग ऑप्शन पे आइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर्वाइवल से क्रिएटिव में क्लिक कीजिए, कंटिन्यू में क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको बैक कर दीजिए और असेंबली गेम पे आ जाइए। इसके बाद अपने कीबोर्ड का स्पेस वाला बटन को डबल प्रेस कीजिए, आप ऊपर में उठ जाएंगे, पूरा एकदम ऊपर में उठ जाइए। देखिए दोस्तों पूरा ऊपर में उठ जाइए और आप यहाँ पर ऊपर से ही देख सकते हो, दूर दूर तक आप देख सकते हो कहाँ गांव है कहाँ क्या है, सब कुछ जो कि आप यहाँ से ही देख सकते हो। ये काफी सिस्टम अच्छा है। और यहाँ पर W प्रेस करेंगे आप सामने जाएंगे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे कीबोर्ड का और भी थोड़ा स्पीड में आप जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैं जा रहा हूँ, भाई काफी गजब का सीन है भाई। यहाँ पर आसपास भी कुछ कोई भी गांव वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। थोड़ा मैं नीचे चाहूंगा, फिर से मैं नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर ओ माय गॉड कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो वैसे ऐसे में दोस्तों आपको सिंपली सीधा जाना है। थोड़ा इधर उधर जाएंगे तो घुमा फिरा के एक ही जगह में बार बार आ जाओगे, तो इसलिए आपको सीधा आपको जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सीधा ही जा रहा हूँ, आप देख सकते हो मैं समुंदर पार कर रहा हूँ। तो गाइस मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे को गाँव मिल चुका है, शायद इस साइड में होगा कोई गाँव वाँव, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग को नहीं मिल रहा है, विलेज नहीं मिल रहा है। ओ गाइस फाइनली ऊपर में आप देख सकते हो, ओ देखो ऊपर में, मैं थोड़ा ऊपर में उठ जाता हूँ, ऊपर में आप देख सकते हो इस साइड में है गांव जो कि हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल गया है। ओ भाई काफ़ी गजब का सीन है। तो गाइस यहाँ पर नज़ारा कुछ आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है और बहुत ही अच्छा जो कि गांव यहाँ पर हम लोग को मिल चुका है। तो गाइस मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, जो कि कीबोर्ड का स्पेस वाला बटन को डबल प्रेस करूँगा और नीचे आ जाऊँगा। और इसके साथ हम लोगों को फिर से हम लोग यहाँ पर सेटिंग में आके हम लोग क्रिएटिव मोड से सर्वाइवल मोड में आ जाने के बाद हम लोग रिसीव में गेम पर आ जाता हूँ। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को ऐसे नॉर्मल अगर आप खेलते हो और ऐसे अगर अपने ढूंढते हो तो आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे को आप देख सकते हो बहुत ही कम टाइम के अंदर मेरे को यहाँ पर गाँव मिल चुका है। और जो भी सामान हम लोग को चाहिए, सबसे पहले तो बात यह है कि देखिए दोस्तों हम लोग को बेड चाहिए होता है। बेड को भाई बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग को मुश्किल भी होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग को सभी चीज़ जो कि मिल ही जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बेड को ही ले लेता हूँ, भाई बेड को ले लिया, ये अपने साथ ही रहेगा। ओके तो गाइस इस तरह से काफ़ी आसान से अपने माइनक्राफ्ट गेम पे अपने पीसी लैपटॉप से गेम प्ले करके काफ़ी आसान से अपने विलेज को फाइंड कर सकते हो, विलेज को ढूंढ सकते हो। तो गाइस उम्मीद है आपके वीडियो पसंद आएंगे, वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा। क्या आपको विलेज ऐसे ही मिल गया है या नहीं मिला है, और क्या आपको ये ट्रिक आपको पता था या नहीं पता नहीं था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो।